हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम इंडिया एंड जापान के बारे में जानेंगे, इंडिया जापान रिलेशन के बारे में। जैसा आपको पता हो, जापान का कैपिटल टोक्यो है और इसका करेंसी जापानीज येन है। न्यूज में कहता, रिसेंटली इंडिया एंड जापान कंप्लीट 70 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो इंडिया एंड जापान का 70 साल हो चुका है डिप्लोमेटिक रिलेशन में। इंडिया एंड जापान रिलेशन की फैक्ट जान लेते हैं क्या क्या है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कोऑपरेशन, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन टू सिंस 2011, 2011 से एक चल रहा है कौन सी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जापान इज द बिगेस्ट बायलैटरल डोनर टू इंडिया विथ जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट एक्टेड टू सम ऑफ द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक इंडिया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया विथ नियरली 35 मिलियन FDI लास्ट 2 decades। तो लास्ट 20 ईयर्स में मतलब 35 बिलियन डॉलर मतलब इन्वेस्ट कर चुके हैं। इंडिया एंड जापान आर वर्किंग विथ ऑस्ट्रेलिया ऑन द सप्लाई ऑफ जेंस रेजिस्टेंस इनिशिएटिव। इसमें मतलब देखिए उधर कुछ देखते हैं, इंडिया एंड जापान आर वर्किंग विथ जर्मनी ब्राजील फॉर परमानेंट मेंबरशिप UNSC। जैसा कि आपको बताया था, हमें ग्रुप ऑफ फोर G4 के हैं। इसरो एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA आर वर्किंग ऑन ए जॉइंट ऑफ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन LOPEX मिशन। द मिशन एम इज टू सेंड लैंडर एंड रोवर टू द मून्स साउथ पोल अराउंड 2024। तो जो है 2024 तक उसको मतलब लूनर एंड रोवर दोनों को हमें पहुँचाना है, दोनों मिली काम कर रहे हैं। इंडिया एंड जापान साइंड ए मल्टीलेटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। और देख लें क्या, बहुत कंट्रीज आर लॉन्च इंडिया एंड जापान Emerging Technology and Innovation Fund in 2019. Indian Japanese force regularly hold joint exercise like Shinryu Mitri Air Force के लिए होता है, धर्म गार्डियन आर्मी के लिए होता है, JMX नेवी के लिए होता है। अब ये थोड़ा एक्सरसाइज याद रखिएगा, सोयुक केजिन कोस्ट गार्ड के लिए होता है, मालाबार देखिए नेवी मल्टीलेटरल होता है। द जापानीज जेन गार्डन एंड किंजन अकेडमी वॉज इनोग्रेटेड एट द अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन इन गुजरात। की बायलैटरल कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एंड एग्रीमेंट होता है दो MLSA। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड एंड सप्लाई चेन रिसेटलमेंट इनिशिएटिव। चलिए आपकी मैप में आपको जापान दिखा देता हूँ, आपको ये देख सकते हैं आप, सी ऑफ जापान इट्स है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, देखिए फिलीपींस से, देखिए इनका जो कैपिटल है टोक्यो, जापान में देख सकते हैं होकाइडो ऊपर है, ऊपर पार्ट है, तो ये आइसलैंड से रिलेटेड है, आइसलैंड नेशन बोल सकते हैं आप। सेंट्रल ओसाका क्यूटो कोइशियो, देखिए आप देख सकते हैं, मतलब इस साइड ये इधर चाइना है, देखिए चाइना रशिया। आई होप आपको इंडिया एंड जापान का रिलेशन में फुल ओवरव्यू मिल गया होगा। कुछ भी क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।